सिख स्टूडेंट मनजोत सिंह छाबड़ा की कोटा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। परिजनों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद राजस्थान सरकार और पुलिस मामले की जांच करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के युवा सिख मनजोत सिंह छाबड़ा हत्या की सीबीआई जांच कराने को लेकर खालसा फाउंडेशन ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। खालसा फाउंडेशन के सदस्यों ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा, मनजोत सिंह छावड़ा जो अपनी 12वीं की कक्षा पास करके डॉक्टर की पढ़ाई करने राजस्थान के कोटा गया था, 3 अगस्त को परिजनों को हॉस्टल से फोन पर बताया गया कि मनजोत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे परिजनों को मैनेजर मुकेश शर्मा ने बताया कि मनजोत सिंह ने रात में खाना खाने के बाद दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा तोड़ने पर वो मृत पाया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों का कहना है कि मृतक मनजोत सिंह के पीछे से हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन हॉस्टल मैनेजमेंट ने पूरी घटना को आत्महत्या बताकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिजनों ने मामले की जानकारी कोटा पुलिस को देते हुए हॉस्टल के मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, परंतु इतनी गंभीर घटना को राजस्थान की सरकार व पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज जो है एसडीएम कोर्ट में हम लोग खालसा फाउंडेशन की पूरी टीम, पूरा सिख समाज काशीपुर का यहाँ इकट्ठा हुआ है, जो कि कोटा राजस्थान में एक 17 साल के युवक जो कि रामपुर का रहने वाला था, सिख युवक है, वो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, डॉक्टरी की एजुकेशन ले रहा था वहाँ अपना, वहाँ पे उसकी निर्मल हत्या हुई है। वहाँ की सरकार प्रशासन जो है उसको आत्महत्या घोषित कर रहा है। हम उस सरकार से राष्ट्रपति जी से एक ज्ञापन दे के ये कहना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।